शाहरुख खान और सन्नी देओल से पीछे रह गए सलमान खान। क्या दिवाली वाला प्रयोग सलमान पर भारी पड़ गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन सवालों के जवाब अब सलमान के फैंस तलाश रहे हैं। टाइगर 3 की रिलीज को 2 हफ्ते हो चुके हैं। इन 2 हफ्तों में सलमान की फिल्म ने अच्छी कमाई तो की, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाई जितनी शाहरुख की पठान और सन्नी देओल की गदर 2 ने की थी। इन दोनों स्टार्स की तुलना में सलमान खान काफी पीछे रह गए। टाइगर 3 में 14वें दिन की कमाई के आंकड़े सामने आए हैं और फिल्म ने अब तक 300 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया है। अब सवाल यह कि सलमान पीछे क्यों रह गए? आमतौर पर सलमान अपनी फिल्म ईद के मौके पर रिलीज करते हैं और जमकर कमाई भी करते हैं, लेकिन इस बार सलमान खान ने ईद की जगह दिवाली के मौके पर अपनी फिल्म को रिलीज किया। फिल्म को इसका फायदा तो मिला, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 की वजह से फिल्म की कमाई में काफी असर देखने को मिला। फिल्म की कमाई की गति भी धीमी रही। टाइगर 3 के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 14 दिनों में 265 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म का बजट 300 करोड़ के करीब था। ऐसे में 265 करोड़ की कमाई कुछ ज्यादा नहीं है। वहीं फिल्म के वर्ल्ड कप कलेक्शन की बात करें तो दुनिया भर की कमाई मिलाकर भी ये फिल्म 500 करोड़ तक पार नहीं कर पाई। फिल्म ने 14 दिन में दुनिया भर में 427 करोड़ की कमाई कर ली है। मतलब साफ है कि सलमान कमाई के मामले में शाहरुख और सनी देओल से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरह की कमाई की इस फिल्म से उम्मीद की जा रही थी, वैसा कुछ नहीं हो पाया है। टाइगर 3 की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ के अलावा इमरान हाशमी भी अहम रोल में है। इसके अलावा फिल्म में कुछ देर के लिए शाहरुख खान की भी एंट्री होती है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि छुट्टियों में सलमान कुछ कमाल कर दिखाएंगे और बॉक्स ऑफिस पर कमाई का मीटर कुछ आगे बढ़ पाएगा। मेरा नाम है प्रियंका। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।